बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आयतुल्ला यूसुफ जो ईरान के हैं, उन्होंने बयान दिया और बड़ा ही जबरदस्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक हमारा मिसाइल। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आपकी बिलियन डॉलर फ्लीट तबाह बर्बाद कर देगा जो कि यूएस कैरियर लेकर आ रहे हैं गल्फ की जानिब से, यानी जो उन्होंने डिप्लॉय की थी। आप यहां से सूरत हाल का अंदाजा कर लें कि चाहे बयान की हद तक की सही, लेकिन ईरान के ये बयान बिल्कुल चीर फाड़ करने वाले हैं। अब सूरत हाल इतनी ज्यादा खतरनाक इस वक्त हो गई है, जैसे ही सऊदी अरब के एनर्जी मिनिस्टर खालिद अल फलाह ने कहा कि हमारे दो ऑयल टैंकर्स को हिट किया गया है, उन पर हमला हुआ है। याद रखिए, इससे पहले ईरान और फिर हिजबुल्ला ने यह खबर ब्रेक की थी कि उनके ऑयल टैंकर्स पर हमला हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा था 7 ऑयल टैंकर्स। इन्होंने कहा तखरीबकारी हुई है और उनका कहना था कि उन पर बम बरसाए गए हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान ने बयान क्यों दिया? क्योंकि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास मसूबी ने कहा है कि ये जितने भी हमला हुआ है इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और कोई भी हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी या कोई हमारे खिलाफ काम करने के हम पर नाम डालने की बजाय, हम याद रखिएगा पूरी तरह जवाब देंगे और हमने जो अपने मिसाइल रखे हैं, और बर वक्त अब फैसला करने का वक्त आ गया है कि वो मिसाइल अमरीका पर हिट किए जाएं। देखिए, एक चीज़ अच्छी तरह समझ ले, इस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने बयान दिया है कि ईरान की तरफ से हिजबुल्ला के जरिए और फलस्तीन के अंदर किसी भी सूरत के अंदर ईरान हमला कर सकता है और ये पूरी दुनिया और पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो जंग की सूरत हाल इख्तियार करता है। इस पर तो डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये मैप दिख रहा है आपको, यूएसए का फासला देखिए ईरान के साथ कितना बनता है, तकरीबन 11,500 किलोमीटर, यानी आप अंदाजा कर ले 11,500। वो नॉर्थ अमेरिका में बैठे हुए हैं, ये मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं। उसके बाद ये आपकी स्क्रीन पर मैप चल रहा है, ईरान के इर्द गिर्द अमरीकी बेसिस कितनी ज्यादा। हकीकत टीवी आपको पिछली वीडियो में तफसील से बता चुका है कि 32 किलोमीटर की सबसे बड़ी मिलिट्री बेस इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर है, वो है कतर के अंदर अल उदैद बेस के ऊपर, और वहां पर 120 उनके जंगी तैयारे आने की सूरत हाल है। फिर उसके बाद कुवैत के अंदर 15,000 उनके फौजी, फिर दुनिया के मुख्तलिफ मिडिल ईस्ट के इलाकों में। आप सिर्फ इतना बता दें, वो नॉर्थ अमेरिका में बैठा हुआ अमरीका, वो ईरान बैठा हुआ है मिडिल ईस्ट, इनका आपस में क्या लड़ाई है? तकलीफ सिर्फ ये है अमेरिका को, क्योंकि ये जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं ये सारी प्रोटेक्शन करवाने के लिए इसराइल के लिए रखी हैं। उनको क्या खतरा है? ईरान एक छोटी सी चीज है, ईरान को दिखाकर इन्होंने बाकी अरब कंट्रीज, यानी जिन अरब कंट्रीज के ऊपर अटैक करना है और जिनको ईरान से लड़वाना है वहां पर मिलिट्री बेसिस बनाई है। अब अगर सूरत हाल इतनी ज्यादा गंभीर किसी भी वक्त पैदा हो सकती है कि अगर सऊदी अरब या यूएई इनमें से कोई एक की तरफ से कोई ऐसा बयान आ जाता है कि ये हमला चाहे जाली हो सही हो ये ईरान ने किया, तो फिर ना खत्म होने वाली एक जंग शुरू हो जाएगी खत्ते की, और ये इतनी ज्यादा खतरनाक होगी। अगर ये बयान दे देते हैं कि किसी और ने किया, तो फिर तो मामला किसी अलग तरफ जा सकता है। याद रहे कि अमेरिका ने कुछ दिन पहले जो अपने बॉम्बर्स लगाए थे B-52 कतर के अंदर, उन्होंने ये बात कहते हुए लगाए थे कि मेरे जो मफादात है, मिसाल के तौर पर मेरी मिलिट्री बेसिस हैं यूएस की जहां पर इराक है या दूसरी जगहों पर, वहां पर ईरान खुद या अपनी प्रॉक्सी के जरिए हमला कर सकता है, और जो ऑयल टैंकर सऊदी अरब के अटैक हुए हैं वो 2 ऑयल टैंकर यूएस से जा रहे थे। इन सारी सूरत हाल को आपने मद्देनजर रखें कि मामला किस तरफ जा रहे हैं और कितनी ज्यादा संगीन सूरत हाल पैदा होने का खदशा हो सकता है। दूसरी तरफ फिर इसराइल कहता है कि मुझ पर अटैक होने जा रहा है, और उसके अलावा सूरत हाल ईरान की तरफ से भी सामने आई है कि अगर हम पर अटैक होता तुम्हारी बिलियन डॉलर्स की जो फ्लीट है सिर्फ एक मिसाइल के हमारे मार है और हम इसको तबाह बर्बाद कर देंगे। ये सूरत हाल कहां से शुरू होती है? यह आपकी स्क्रीन पर मैप चल रहा है जो हम पिछली वीडियो में भी आपको दिखा चुके हैं। ये 2006 में मैप दिखाया गया था कि फ्री बलोचिस्तान पाकिस्तान के अंदर केपीके को तोड़ना और अफगानिस्तान के साथ मिलना और पाकिस्तान को भी तोड़ना है काफी हद तक, फिर छोटा सा मुल्क पाकिस्तान रह जाएगा। फिर इन्होंने यमन को अलग दिखाया, उसके बाद सऊदी अरेबिया के टुकड़े दिखाए, फिर इराक को सुन्नी इराक शिया इराक अलग कर दिया, इसी तरह सीरिया कुर्दिस्तान तुर्की, ये सारी जो शेप है वो क्यों है? क्या अमेरिका को ये मुल्क चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, चाहिए सिर्फ इसराइल को, क्योंकि वो 2-3 हजार साल पुरानी जो सूरत हाल थी
کہ ہماری یہاں پر حضرت داؤد کے دور کے اندر پوری سلطنت ہوا کرتی تھی، ہم نے اس کو گریٹر اسرائیل بنانا ہے۔ ایکچولی ایجنڈا یہ ہے اور وہ پورا اسی طرف صورتحال جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ورنہ 12,000 کلومیٹر دور وہ نارتھ امریکہ میں بیٹھا ہوا امریکہ، اس کو کیا تکلیف ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں آتا ہے اور وہاں پر آ کر ساری ایران کے ارد گرد باڑ لگاتا ہے۔ باڑ سے مراد یعنی ساری ایران کے ارد گرد ملٹری بیسز بناتا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ کریں، ایک طرف امریکہ انڈیا کو دے رہا ہے تھرڈ میزائل کے پاکستان پر اٹیک آئے یا پاکستان پر اٹیک کی صورت کے اندر، دوسری طرف افغانستان کے اندر اس کی لڑائی ہے، اور تیسری طرف وہ ایران۔ اب ایران کو بیسیکلی دکھا کر وہ عرب کنٹریز کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے زیادہ خطرناک صورتحال کیا پیدا ہو سکتی ہے، ذرا سی ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تو سب سے پہلے آئل کی پرائسز جو ہیں وہ شوٹ اپ کر جائیں گی اور اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ پاکستان کی تو کرنسی آلریڈی ڈی ویلیو ہے، ہم لوگ تو مارے جائیں گے اور اس کے ساتھ پوری دنیا بھی متاثر ہوگی۔ لیکن اگر اس ساری صورتحال کے اندر ایک ہم اندازہ یہ لگا لیتے ہیں کہ عربوں کی اور ایران کی آپس میں لڑائی کروانے کا جو امریکہ اور اسرائیل کا گھناؤنا پلان ہے، یہ لڑائی کروا کے خود پیچھے بھاگ جاتے ہیں تو پھر آپس میں کیا بچے گا؟ پھر ایران کی ساتھ جانب سے کون لڑے گا، عربوں کی جانب سے کون لڑے گا؟ یعنی وہ پھر حدیثیں پوری ہوتی ہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ اس ساری صورتحال پر ایک ہی چیز پانی ٹھنڈا ڈال سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور یو اے کی طرف سے یہ بیان آئے کہ کسی اور نے حملہ کیا، وہ ایران نے نہیں کیا، تو معاملات کافی حد تک بہتر ہو سکتے ہیں۔ جو بھی صورتحال ہو، مڈل ایسٹ ری شیپ ہونے جا رہا ہے اور یہ آج نہیں تو کل ری شیپ ہونا ہی ہونا ہے۔ دوستو حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔